सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कांप पश्चिमी पंचायत स्थित शिव मंदिर परिसर कांप बाजार में कार्तिक जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इस मौके पर शिव नव युवक चेतन कला परिषद के कार्यकर्ता, मेला अध्यक्ष कांप पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष यशवंत कुमार, मेला संरक्षक कांप पश्चिमी पंचायत के मुखिया अनमोल भगत और मेला सचिव हरे राम कुमार ने बताया कि यह साप्ताहिक मेला रविवार से लेकर शनिवार तक सिर्फ मूर्ति पूजन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ से संपन्न होगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा जाएगा। पूर्णिमा कांप के मेला तो बहुत धूमधाम से सभी साल मनाया जाता था, लेकिन अब की बार जो है कोविड-19 और कोरोना महामारी के चलते अब की बार मेला का जो आयोजन है हम लोग सिर्फ मूर्ति बना करके पूजा अर्चना और कीर्तन भजन करके हम लोग मेला का समापन आज दिनांक 29 नवंबर से शुरुआत है। आज जन्मोत्सव है कार्तिक भगवान का और आज से लेकर के 6/12/2020 तक हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। सर इस जगह बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार करते थे, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 का हम लोगों को और हम लोग जितने भी ग्राम पंचायत के वासी हैं तमाम लोगों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन हम लोगों को नहीं करना है। जैसा दिशा निर्देश अभी तक हम लोगों को मिला है उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। यदि आगे दिशा निर्देश मिलेगा तो हो सकता है कार्यक्रम को बढ़ाया भी जा सकता है, कार्यक्रम भी किया जा सकता है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कांप पश्चिमी पंचायत स्थित शिव मंदिर परिसर कांप बाजार में कार्तिक जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इस मौके पर शिव नव युवक चेतन कला परिषद के कार्यकर्ता, मेला अध्यक्ष कांप पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष यशवंत कुमार, मेला संरक्षक कांप पश्चिमी पंचायत के मुखिया अनमोल भगत और मेला सचिव हरे राम कुमार ने बताया कि यह साप्ताहिक मेला रविवार से लेकर शनिवार तक सिर्फ मूर्ति पूजन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ से संपन्न होगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा जाएगा। पूर्णिमा कांप के मेला तो बहुत धूमधाम से सभी साल मनाया जाता था, लेकिन अब की बार जो है कोविड-19 और कोरोना महामारी के चलते अब की बार मेला का जो आयोजन है हम लोग सिर्फ मूर्ति बना करके पूजा अर्चना और कीर्तन भजन करके हम लोग मेला का समापन आज दिनांक 29 नवंबर से शुरुआत है। आज जन्मोत्सव है कार्तिक भगवान का और आज से लेकर के 6/12/2020 तक हम लोग पूजा अर्चना करते रहेंगे। सर इस जगह बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार करते थे, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 का हम लोगों को और हम लोग जितने भी ग्राम पंचायत के वासी हैं तमाम लोगों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन हम लोगों को नहीं करना है। जैसा दिशा निर्देश अभी तक हम लोगों को मिला है उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। यदि आगे दिशा निर्देश मिलेगा तो हो सकता है कार्यक्रम को बढ़ाया भी जा सकता है, कार्यक्रम भी किया जा सकता है।